नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, आप हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने वाहन की डुप्लीकेट RC किस प्रकार निकलवा सकते हो। तो दोस्तों, हम आपको ऑनलाइन डुप्लीकेट RC निकलवाने के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप उन डॉक्यूमेंट्स को नोट कर ले। डुप्लीकेट RC ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी थाने में आपकी RC गुम हो गई है उसकी आपको FIR करवानी पड़ती है कि एक ID, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके वाहन की इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप ऑनलाइन डुप्लीकेट RC रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपने गूगल में टाइप करना है wahanparivahan.gov.in। तो यहाँ पे वेबसाइट आ गई है wahan.parivahan.gov.in। तो साथियों, ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने व्हीकल रिलेटेड जो सर्विस जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट स्टेट नेम जो है, जिस भी आपका जो भी स्टेट है आपने उसको सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो RTO ऑफिस है वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे RTO ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं हिसार HR 20। उसके बाद आपने प्रोसीड की ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ एड्रेस, हाइपोथिकेशन, एडिशनल कंस्टिनेशन, टर्मिनेशन डुप्लीकेट RC, यहाँ पे आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेगी। तो आप डुप्लीकेट RC बनवाना चाहते हो तो आपने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है जिसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसी नंबर मांगा गया है। तो यहाँ पर आप अपने वाहन का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने एंटर करना है। जैसे कि हम आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको एक डेमो करके दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आप पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमने एंटर किया है और उसके बाद आपने चेसी नंबर भी एंटर करना है। और ध्यान रहे साथियों, ये जो चेसी नंबर है लास्ट के 5 डिजिट ही होने चाहिए। चेसी नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है जो आपने RC बनवाते वक्त वहाँ पे जमा करवाया था, क्योंकि उसके ऊपर पासवर्ड आता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने डुप्लीकेट RC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसकी भी डिटेल आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपको डुप्लीकेट RC अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट RC ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट करना है कि आपकी RC चोरी हुई थी या फिर गुम हुई है या कोई अदर ऑप्शन, यहाँ पे आपने रीजन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे इंश्योरेंस डिटेल के ऊपर आपको जो भी डिटेल यहाँ पे इंश्योरेंस की मांगी गई है वो सभी डिटेल आपने भरनी है। और इसके बाद आगे फीस जो पैनल है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ₹350 आपकी यहाँ से फीस कट होगी और इसके बाद आपका जो सर्विस जो चार्ज है वो भी लगेगा। तो टोटल जो पेएबल अमाउंट है वो यहाँ पे ₹550 हैं। तो यहाँ पे आपको ₹550 पेटीएम या फिर भीम कार्ड, UPI ID किसी से भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो। इसके बाद साथियों, आपको यहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है और सेव करके रखना है, क्योंकि उसके ऊपर application ID, application नंबर लिखा हुआ होगा। उसके माध्यम से आप अपने application का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। और साथियों, इस प्रिंट के साथ आपने डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 फोटो और आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस और आपके पुलिस स्टेशन की FIR कॉपी। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट के RTO ऑफिस में जाके फाइल को जमा करवा दे
आपकी आरसी आपको एक महीने से पहले आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके एड्रेस पर भेज दी जाती है। तो साथियों, यदि उसमें कोई नेम, चेसी नंबर, इंजन नंबर, कोई भी डिटेल यदि गलत है तो आप अपने आरटीओ ऑफिस में जल्दी कॉन्टैक्ट कर ले, नहीं तो आपको बाद में कंप्लीट फाइल को बनवा के और फीस के साथ आपको वहाँ पे करेक्शन डिटेल